पुष्पा मैडम के बारे में बताना है सर। अब क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? सर, पुष्पा मैडम दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती हुई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है, उनके साथ उनके परिवार वाले भी हैं। ठीक है, एक मिनट सर, एक और बात बतानी है आपको। आपने तो कुछ नहीं बताया सर। लेकिन मैंने सब कुछ पता कर लिया है। उस रात पार्टी में पुष्पा मैडम के साथ क्या हुआ था? क्या बकवास कर रहे हो? तुम कमीने हो ये तो पता था, लेकिन इतने कमीने हो ये नहीं पता था। कीमत बोलो। 50,000। ठीक है, मासा ना डॉक्टर के पास गई है, जल्दी आ जाएंगी। हाँ, रोते नहीं आशी, अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगी ना तो डॉक्टर तुम्हें फिर से इंजेक्शन लगवा देंगे। हाँ, ओए हाँ, याद नहीं है उस दिन सुई लगी थी तो कितना रोई थी तू, बहुत दर्द हुआ था ना? हाँ, मुझे बहुत दर्द हुआ था। देखो बेटा, अभी तुम जा करके सो जाओ, जब तुम्हारी मम्मी आएंगी ना तो हम तुम्हें उठा देंगे। हाँ ओके, जाओ जाओ। कब तक आशी को हम झूठी दिलासा देंगे? और हम कर भी क्या सकते हैं अम्मा साहब? कीजिए, आपकी बेटी की तबीयत संभल जाए फिर आप जी भर के मिल लेना उससे, ठीक है? कार्तिक, नानी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ ले आओ उनके लिए। कैसी है मेरी पुष्पा डॉक्टर? हालत बहुत नाजुक है, हमने इलाज शुरू कर दिया है, आप काउंटर पर 50,000 रुपए जमा करा दीजिए। जी हम करते हैं, हम आते हैं नानी का ख्याल रखना। डॉक्टर साहब, मैं एक बार अपनी बच्ची से मिल सकती हूँ? मिलवा देंगे, लेकिन वो सबसे पहले लवली से मिलना चाहती है। आप दोनों में लवली कौन है? लवली मैं हूँ। आइए मेरे साथ। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं कहा मक्कारी मार रहा होगा बेवकूफ। कहाँ है बे तू? यही हूँ सर, सप्लाई रूम में। माफ कीजिएगा भाई साहब, वो मारा ध्यान ना था। अंधी हो, दिखाई नहीं देता। Thank you.
अरे औरत से बात करने की तमीज ना है, मैंने माफी मांगी ऊपर से गुस्सा दिखा रहा है, तमीज कहीं का। सब बातें बाद में कर लेंगे। हाँ बाद में किसने देखा, कह लेने दो मुझे, मेरे जाने के बाद बात देखा तो मेरी आशी का ध्यान रखना, अगर मैं ना दे सकी तुम देना, और अगर मुझे की आशी को कभी प्यार की कमी नहीं होगी, हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की हो? जाने दो ना साहब, वरना सही रिपोर्ट सही जगह पहुंच जाएगी और सबको पता चल जाएगा। चल रिपोर्ट निकाल। ऐसे कैसे दे दू रिपोर्ट आपको, वही तो कमजोर नब्ज है आपकी। अच्छा सर, हेलो हेलो अक्षय, अक्षय ना ना ये किसी अक्षय का नंबर ना है, ये मारा नंबर से। अक्षय, अरे बाप रे, कहीं मारा फोन उस घूसट भुट्टे के साथ बदली तो ना हो गया, हे भगवान अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे। ओ भाई साहब, ये ले। पचास और तूने फोन पे 50 कहा था, 1,00,000 बहुत ज्यादा है समझे। सर आपने जो कांड किया है ना उसके लिए ये 1,00,000 भी बहुत कम है। बस सर, अब पुष्पा द्विवेदी का इराज राज ही रहेगा, आप बेफिक्र हो जाओ। पुष्पा के किस राज की बात कर रहे हैं? वैसे बड़ी बुरी हालत है पुष्पा जी की, ICU में भर्ती है, समझ लीजिए चलाचली का मामला है। ये दोनों कौन है? अरे पुष्पा का कौन सा राज जानते हैं? इसका फोन तो मैं बाद में वापस करूंगी, पहले शिपू जी को इसे बता के इस अकड़ू भुट्टे की कुंडली पता कराती हूँ, तो चले पुष्पा का कौन सा राज है जो हमें ना पता। अरे शिपू जी फोन क्यों उठा रहे? कैसे भी करके कुछ भी करके मन ने शिपू जी को ऐसा पता नहीं होगा।
इस मुसीबत से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं वो वार्ड बॉय कितने पैसे झटकवा लेगा। जब पुष्पा मरेगी तभी झंझट से छुटकारा मिलेगा। पुष्पा तुम ये सब बातें छोड़ो, चिंता मत करो और तुम आराम करो, मैं बाहर बैठती हूँ। लवली प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। I'm sorry. पता नहीं वो सब कैसे होगी। Sorry. पुष्पा तुम ये सब मत सोचो और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। आशी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखिए ना, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। पता नहीं शिबू जी कहाँ है, उनका फोन क्यों ना लग रहा। सर अब जल्दी वापस आ जाओ, उधर आप डॉक्टर साहब का सफेद कोट और स्टेथोस्कोप लेके पुष्पा जी के रूम में गए ना। इधर डॉक्टर साहब ड्यूटी पर आ गए, अब जल्दी आ जाओ सर, वरना मैं उन्हें क्या दूंगा। अगर वो यहाँ आए बिना सीधे आईसीयू गए, आप पकड़े जाओगे सर और मेरी नौकरी भी जाएगी। भगवान कहीं वो पुष्पा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। डॉक्टर आप इन्हें कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे इन्हें नींद आ जाए। आप बाहर जाइए, मैं देखता हूँ। आप शांत हो जाइए, आप जल्दी जाइए, नर्स को बुलाइए, जाइए आप जल्दी जाइए, आप जाइए, आप जाइए। तुम पहले ही मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो, अब और नहीं। अब तुम्हारी कहानी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा पुष्पा द्विवेदी।
हम जाइए हमारे यहाँ पे नर्स उसकी हालत ठीक थी जल्दी जाओ और ये भी पता नहीं कि लवली और करण के क्यों उसके पीछे भागे हमने आके देखा कि पुष्पा के साथ से वो घट रही है वो तो अच्छा हुआ वो सिस्टर आ गई और उसने वो मास्क लगा दिया फिर भी उसके सांसे ठीक नहीं चल रही आप फिक्र मत कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे डॉक्टर साहब देखिए डॉक्टर साहब पुष्पा ठीक हो जाएगी ना माफ कीजिएगा वो पैसे जमा करने में थोड़ी देर होगी अब पैसों की जरूरत नहीं उत्कर्ष जी कुछ नहीं हो सकता है मामला अब हमारे हाथों से निकल चुका है मेरी मानिए अभी ना घर ले जाइए इंसान अपनी आखिरी सांसें अपनों के बीच अपने ही घर पर लेना चाहता है नंबर भी ना पहचानेंगे तुम कप्तान नाम मैसेज करने के लिए